अच्छा, दारू का मामला है, छुड़ा देंगे, सिर्फ 4 दिन में छुड़ा देंगे। मैं दारू के वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। पेटीकोट खोलने के लिए पैसा भी नहीं है। अच्छा, क्यों बेनालायक क्यों पीता है तू इतना दारू? अरे महाराज जी, मैं कहाँ पीता हूँ इतना दारू। दारू तो ये पीती है, मुझे तो बिना बात के ही लपेट दिया। ये हम क्या सुन रहे हैं, आप दारू पीती हो? अरे अभी इसके बारे में पता ही क्या है, दारू पीने के बाद डाकू असीना बन जाती है, फिर इसका सामना कोई नहीं कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं इसको श्राप दे दूंगा। रहने दो बाबा, सारा झगड़ा श्राप का ही है। अगर आप और श्राप देंगे तो फिर क्या होगा? मूर्ख स्त्री, हम उस श्राप की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर कौन सी श्राप की बात कर रहे हो? रहने दो, तुम नहीं समझोगी वो बात। कैसी बात बाबा जी, मुझे तो बोलो कौन सी बात हमको नहीं आएगी समझ में। अरे बाबा बोलो, कौन सी बात कर रहे हो? बहू बहू, अरे महारानी क्या कर रही हो अंदर बैठी बैठी? कुछ नहीं माँ जी, टीवी देख रही हूँ। अरे बहू, क्या तुझे समझ में नहीं आता है, घर का सारा काम छोड़कर सीधे तू टीवी देखने बैठ जाती है? माँ जी, मैंने झाड़ू निकाल कर पोछा मार दिया और खाना बना लिया। अब और कौन सा काम रह गया है जो आप मुझ पे चिल्ला रही हो? अरे कर्म जली, तुझे नहीं पता क्या, आलू भैंस चाने ले गया है, जाओ और गोबर की ढार पर फेंक कर आओ, फिर हम देसी खाद बनाएंगे। छी, कैसी बात कर रही हो माँ जी, आप मुझे तो गोबर देख कर उल्टी आ जाती है और आप उसे उठाने बोल रही हो। मुझसे ये काम नहीं होगा। देख बहू, तू कोई कलेक्टर नहीं है, जो तू गोबर नहीं उठाएगी तो तेरा बाप उठाएगा क्या? अरे माँ जी, आपको नहीं पता मैं बानी पढ़ी लिखी हूँ, पर आपको मुझसे ऐसा काम कराते आपको शर्म नहीं आता है क्या? अरे कलमोही, 2-4 किताबें पढ़ कर IAS बन तो नहीं गई है? जो मुझे सब पता है, तू 12वीं में फेल हो गई है। अरे माँ, आज दोनों सास बहू के बीच में जंग क्यों छेड़ी हुई है? बेटा देख, तू बहू बोल रही है, मैं 12वीं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं कोई काम नहीं करूँगी। नहीं जी, मैंने सिर्फ गोबर उठाने से मना किया है, लेकिन माँ जी तो मेरे साथ काम समय समय पर कराती है। देख बेटा, ये गोबर नहीं उठाएगी तो उसे उठाने के लिए किसी नौकर को तो नहीं रखना पड़ेगा ना? नहीं राजू जी, मैं 12वीं पढ़ी लिखी हूँ, मैं गोबर नहीं उठाऊंगी और गोबर देखकर मुझे उल्टी आती है।